सिक्स नहीं किया था, सिक्स तो हो गया था ना। हाँ क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाओ। 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेवन, क्या है 10π/4 प्लस एक्स, 10π/4 माइनस एक्स, प्रूव करना है 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। फिर से वही LHS, तो यहाँ लिखो 10π/4 प्लस एक्स और यहाँ पर 10π/4 माइनस एक्स, तो ये 10a+b और 10a-b, 10a+b, 10a-b दोनों फॉर्म में लिखे हुए थे हमने। फिर से लिख लेते हैं 10a+b, तो हमने कैसे पढ़ा था इसे कि 10a+10b ओवर 1 माइनस 10a 10b। अच्छा यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस दोनों लग गए। तो a की जगह तो पाई बाय फोर, b की जगह पे x, तो आएगा 10π/4 प्लस 10x, 1 माइनस 10π/4 10x, 1 फिर से प्लस वाला 10π/4 प्लस 10x, 1 प्लस 10π/4 10x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आएगा और यहाँ, अच्छा ठीक है यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, ये वाला तो ठीक हो गया। 10π/4 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10π/4 क्या है 1, 1 × 10x क्या हो गया 10x हो गया ओवर। फिर से 10π/4 क्या है 1 है, माइनस में 10x ओवर 1 प्लस 10x। अब आपके पास सिचुएशन क्या है, फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन आ गया, तो इसका मतलब आप ऊपर वाली टर्म को लिखो 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x इंटू रेसिप्रोकल 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS। इसको ब्रैकेट में रख देना ताकि पता चल जाए फॉर्मूले के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगला संदेश क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 कर लिया, कोई बात नहीं कर देते हैं, लिख देते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 8 बोलो। cos pi plus x cos minus x sin pi minus x cos pi by 2 plus x, दिखाना क्या है cos square x LHS। यहाँ पे आएगा cos pi plus x cos minus x, यहाँ पे आएगा sin pi minus x cos pi by 2 plus x cos pi plus theta। देखो अगर पार्टन टू उसमें दे जाओगे आप, तो अगर आपके पास 360 180, यानी कि पाई 2 पाई, पाई बाय 2 और 3π/2 की टर्म लिखी है, तो सर्टेनली क्वाड्रेंट रूल लगने लगने, तो यहाँ पर पाई है तो क्वाड्रेंट रूल लगेगा, पाई बाय 2 है क्वाड्रेंट रूल लगेगा, तो पाई है तो चेंज होगा या नहीं होगा। फिर से भाई क्या लिखोगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज लिख लिया आपने है ना, पाई है यानी इस पर एक्स पर चेंज नहीं है वाई पर चेंज है, तो यानी कि इसमें चेंज नहीं होगा, तो कॉस रहेगा। अब माइनस का होगा प्लस का होगा, तो पाई में क्या किया हमने प्लस किया, पाई में प्लस करने का मतलब क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो इसका मतलब थर्ड में कॉस क्या होता है माइनस, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस एक्स हो गया, साइन पाई माइनस थीटा बताओ, पाई में माइनस कर रहे हो आप सेकंड क्वाड्रेंट में और चेंज होगा ही नहीं, तो साइन एक्स ही रहने वाला है आपके पास में, और उसके बाद में कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा, चेंज होगा ना पाई बाय 2, ये वाई है ना पाई बाय 2 वाला, तो चेंज होगा, तो कोस किस में चेंज होता है साइन में चेंज होगा,
अब पाई बाय टू में प्लस कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हो आप? सेकंड में। सेकंड में ये वाला देखो, ये नहीं देखना कि साइन आया, ये देखो कॉस। कॉस क्या होता है सेकंड में? माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। इस माइनस से माइनस कट गया, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस बाय साइन कितना होता है? कॉस। दोनों का डिग्री सेम है तो स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आर एच एस हो गया, ये प्रूव हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, फिर आगे कॉस कॉट कॉट, हाँ 3 बाय बाय 2 प्लस एक्स है ना, फिर माइनस एक्स, आगे प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, प्रूव करना है वन। अच्छा फिर से वही, यहाँ देखो 3 पाई बाय 2 2 पाई किस पर आता है आपके पास? एक्सिस पर आता है ये, तो क्वाड्रेंट रूल लगेगा, क्वाड्रेंट रूल लगेगा। अच्छा 3 पाई बाय 2 है वाई पर है चेंज होगा, 2 पाई है एक्स पर है चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा मतलब रेशियो नहीं बदलेगा। तो कॉस है चेंज होगा मतलब किसमें होता है? साइन में, सीधा एक्स है ना। अभी प्लस का होगा माइनस का होगा? थ्री पाई बाय टू ये रहा, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? फोर्थ में। फोर्थ में कॉस क्या होता है? प्लस, कॉस प्लस होता है तो ये प्लस का होगा। साइन नहीं देखना, ये देखना है, इसको नहीं देखना, जो आ रहा है वो नहीं, जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो देखो, ये वाला देखना है। कॉस क्या होता है? प्लस का, तो ये प्लस, कॉस 2 पाई प्लस एक्स है, 2 पाई प्लस एक्स है, चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, एक्स पर है। कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हो आप? फर्स्ट में, ठीक है। ठीक है तो ये आपका क्या हो गया, कोस एक्स साइन एक्स आ गया आपके पास में। अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आपके पास में कॉट है 3 पाई बाय 2 है, चेंज होगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? 3 पाई बाय 2 है ना, माइनस कर रहे हो तो फर्स्ट कोट, फर्स्ट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसके बाद में यहाँ पर कोट की जगह क्या रहेगा? कोट रहेगा क्योंकि 2 पाई है, चेंज नहीं होगा। कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हो? फर्स्ट में, तो पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास में साइन एक्स कोस एक्स आ गया, ये वाला कितना हो जाएगा? साइन एक्स ओवर में कोस एक्स प्लस में कोस एक्स ओवर में साइन एक्स, ये आएगा आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स एलसीएम में, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कोस एक्स एलसीएम। यहाँ पे भी कितना आएगा आपका? साइन एक्स कोस एक्स आएगा, ये दोनों कैंसिल, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है? वन इक्वल्स टू आर एच एस, टू हो गया। हाँ जी अगला क्वेश्चन, टेंथ हो गया था ना, ग्यारहवा इलेवंथ था, इलेवंथ वाले पे आते हैं। अच्छा इलेवंथ क्वेश्चन में देखो लिखा क्या है, 3 पाई बाय 4 लिखा हुआ है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन बता ही दो पहले, इलेवंथ वाला कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल माइनस रूट टू साइन। अच्छा 3 पाई बाय 4 लिखा है, आप ये बताओ कि क्वाड्रेंट रूल लगेगा या नहीं लगेगा? पहले तो इंपॉर्टेंट रूल लिख लीजिए, हाँ अगर इन चार में से कोई सा नहीं है तो क्वाड्रेंट रूल नहीं लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट रूल नहीं लगेगा। अच्छा क्या लगेगा तो क्या? तो हमारे पास दो चॉइस, एक तो जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा वो कर सकते हैं, एक ये कर सकते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं दोनों में, ठीक है। 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 इसका क्वाड्रेंट रूल सीधा नहीं लगेगा, जैसे इसमें लगा था ना वैसे नहीं लगेगा, ठीक है ना।
एक काम करते हैं, फॉर्मूले डायरेक्ट वाले लिखते हैं। तो इसमें अभी तीन चार फॉर्मूले लिखने हैं। एक तो लिखना साइन ए प्लस साइन बी, फिर को साइन ए माइनस साइन बी, एक्स भी लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी। ओके, ये होगा आपका टू साइन ए प्लस बी बाय टू, साइन कॉस ए माइनस बी बाय टू। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि इन सब में ना ये तो एंगल तो यही रहने वाला है, चेंज होगा सिर्फ रेशियो वाला पोर्शन, चेंज होगा सिर्फ रेशियो वाला पोर्शन, एंगल तो यही रहेगा। जैसे साइन ए माइनस साइन बी है तो इसमें आएगा आपका टू कॉस ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय टू। फिर से वही देखो, एंगल सेम है, कॉस वाला है तो टू कॉस ए प्लस बी बाय टू और कॉस ए माइनस बी बाय टू। फिर ये वाला आएगा माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय टू। अच्छा, अब इसमें समस्या है, याद कैसे करेंगे? तो याद हम ऑब्जर्वेशन से करते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे, देखो दोनों साइन है, फर्क क्या, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अच्छा, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में साइन कोस आ रहा है, देखो है ना। फर्क ये है कि प्लस का है तो प्लस के साथ साइन है और माइनस का है तो माइनस के साथ साइन है। हाँ, ऑब्जर्वेशन आपका, आप कुछ भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हो, पर ये सबसे बढ़िया है, साइन में प्लस का है तो प्लस के साथ साइन हो गया, है ना। तो उल्टा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, कॉस होने वाला है, और माइनस का है तो माइनस वाले के साथ क्या होगा, साइन होगा, दूसरा क्या होगा, कॉस। अच्छा, कॉस वाले में देखो प्लस का है माइनस का है। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, या तो कॉस है पूरा या फिर पूरा साइन है। तो ये तो आसान हो गया, फिर प्लस है तो क्या है, कॉस है, प्लस है तो क्या है, कॉस है, माइनस है तो क्या है, साइन है। प्लस है तो कॉस है, माइनस है तो साइन है ना। ये एक ऑब्जर्वेशन होगी जिसको आप याद रखते। चलो अब इसमें सोचो, इसमें कौन सा लगने वाला है, ये पूरा ए ये पूरा बी, अज्यूम कर कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी आइडेंटिकल टू दिस, है ना। अब कॉस होता है तो सेम होता है ना, तो माइनस है तो क्या आएगा, साइन, प्लस है तो क्या आएगा, कॉस। तो ये वाला फॉर्मूला लगना नहीं रहेगा, तो अप्लाई करते। ये तो फॉर्मूले मैंने लिख के इसको ब्रैकेट में डाल देते ताकि यूज में, मतलब ये सिर्फ बता रखा है, स्टेप का हिस्सा नहीं है। फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या लगाओ, माइनस टू साइन ए की जगह क्या लिखूंगा, थ्री पाई बाय फोर प्लस एक्स प्लस थ्री पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय, यहां पर साइन थ्री पाई बाय फोर प्लस एक्स। अब क्योंकि हम थोड़े से इंटेलिजेंट हैं तो हम पहले इसको तो इवेलुएट कर लेंगे, माइनस लगा दिया हमने तो यानी कि साइन चेंज होने वाला है, इसके अंदर का साइन चेंज है, क्योंकि बार बार स्टेप इतना करके दिखाने वाला कुछ उसमें है नहीं। तो यहां पर आएगा पाई बाई फोर प्लस में एक्स, और अपॉन में कितना आ जाएगा, टू। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस से, तो अब ये आ गया आपके पास में माइनस टू साइन थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर क्या आएगा, सिक्स पाई बाय फोर आएगा, और ये वाला टू वन बाय टू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में कितना आएगा आपके पास में, साइन टू एक्स अपॉन में टू आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, थ्री आएगा। तो ये आएगा आपके पास में माइनस टू साइन थ्री पाई बाय फोर कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस पाई बाय फोर, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू तो होती नहीं है ना इसकी, क्वाड्रेंट टू लगाएंगे, ये थ्री पाई बाय फोर बन गया ना आपका। हाँ, तो थ्री पाई बाय फोर को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय फोर, बताया था ना आपको थ्री पाई बाय फोर को कैसे लिखोगे आप, ये रहा थ्री से फोर, थ्री को फोर से डिवाइड कर नहीं सकते तो एक ज्यादा पर ले जाओ, है ना, याद है ना, ध्यान रखना ये। और फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर साइन एक्स आएगा सीधा सीधा,
इक्वल पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा चेंज तो होना नहीं है। तो अच्छा इधर लाइन डाल देता हूँ, एक बॉक्स बना दिया, तो कितना आएगा माइनस टू साइन पाई बाय फोर लिख दूं मैं, और यहां पर कितना आएगा साइन एक्स आएगा। साइन पाई बाय फोर क्या होता है, साइन 45 मतलब 1/√2, याद है ना। तो यहां पे आएगा माइनस टू, ये हो गया 1/√2, यहां पे कितना आएगा आपका साइन एक्स आएगा, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आएगा -√2 साइन एक्स, किसके इक्वल है RHS, ये चाहिए था मुझे। तो मीन है इसमें ये फॉर्मूले जो आप लोगों को समझ में आने। अच्छा दो फॉर्मूले और पढ़ लेते हैं इसके अंदर, इन्हें कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। एक है इसमें साइन टू थीटा या टू ए बोल देते हैं, एक है इसमें कॉस टू थीटा भी थोड़ा सा लेंदी है, और एक टेंथ, मतलब सबका ही हमने हाफ एंगल बना के रख दिया। हाफ एंगल कैसे, कि जब मैं इसको लिखूंगा ना तो ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या यहाँ टू था तो यहाँ क्या आ गया एक आ गया, तो क्या हो गया हाफ, यहाँ टू था तो यहाँ एक हो गया, तो क्या हो गया हाफ हो गया। ऐसे यहाँ पर कॉस है तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर क्योंकि कॉस टू थीटा के ना और भी यूसेज है, क्योंकि इसमें दो टर्म इस्तेमाल हुई और दोनों कन्वर्टेबल है, साइन कॉस में और कॉस किस में कन्वर्ट हो सकता है साइन में, तो इसका एक्सटेंशन है फॉर्मूले का, और एक्सटेंशन है तो और पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि कॉस है, कॉस को 1 - sin² θ लिख दो, यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑलरेडी है ही, ये पता है ना हमें कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin² θ। इसका फर्क क्या है कि ये सेम थीटा में है, ये किसमें सेम थीटा में, और यहां पर जो आंसर आया है ये किसमें है हाफ एंगल में। देखो कोस यहां पर साइन में है, फर्क क्या है टू थीटा और यहां पे क्या है थीटा है, यहां कोस साइन में है पर यहां थीटा क्या है सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मुझे। उसके बाद में एक्सटेंशन है, तो भाई कॉस अगर साइन में कन्वर्ट हो सकता है तो साइन भी तो कॉस में हो सकता है ना, तो इसका नया एक्सटेंशन क्या हो जाएगा आपके पास में, एक तो ये हो गया ब्लॉक कर देते हैं, एक कॉस की जगह कॉस स्क्वायर रखा आपने और साइन को क्या लिखोगे 1 - में कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 + में कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस कॉस कितना हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो दूसरा ब्लॉक ये हो गया, तीन हो गए फॉर्मूले अब हमारे पास में एक तरह से। वैसे तो एक्सटेंशन ही है ये, एक तो ये है, एक ये है और एक ये, तीनों ऐसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंशन दें, अगर इसको अगर और एक्सटेंशन दें तो आप नोटिस करो कि कॉस टू थीटा अभी प्रूफ किसके इक्वल किया, दो के इक्वल किया, एक तो ये किया है हमने और एक ये किया है, दो के इक्वल किया है ना, तो इसका मतलब मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, कैसे निकलेगी, ये माइनस वाला इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 - में क्या आएगा कॉस टू थीटा, टू थीटा है सॉरी टू थीटा, ये वाला टू डिवाइड में आएगा तो क्या आएगा 1 - कॉस टू थीटा अपॉन में, ओके फिर से वही नोटिस करो, ये किसके इक्वल आया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आया है ना। अगर मैं वैसे निकालू सेम इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है 1 - में कॉस स्क्वायर थीटा के, इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क क्या आ गया कि ये हाफ एंगल पे है, यहाँ देखो एंगल हाफ और यहाँ पे क्या है डबल है ना, यहाँ पे क्या है एंगल दोनों का सेम है, यहाँ पे एंगल दोनों का सेम है, तो ये बड़ी कंफ्यूजन सी हो जाती है, इस पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि साइन स्क्वायर थीटा कैन बी दिस और कैन बी दिस, पर हम लोगों के लिए 11th 12th में ये है इंपॉर्टेंट, ये काम आएगा आपको हाफ एंगल, इसके बेसिस पे हम 72 डिग्री 36 डिग्री 18 डिग्री इसके फॉर्मूले वैल्यू निकाल लेंगे, साइन थ्री थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे इसके अंदर, हाफ एंगल वाले सारे वैल्यू निकाल देंगे, 45 डिग्री 22.5 डिग्री पहुंचना है ये लगा दो, आधा करना है लग जाएगा हमारे पास में, ऐसे ही यहां पर निकाल लो, यहां पर क्या कॉस टू थीटा है ये,
माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस टू थीटा ये हो गया प्लस वन, ये टू डिवाइड में आ गया आपके पास, ये कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू। वैसे आप इसमें और इसमें फर्क देख सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है याद करने के लिए, क्योंकि देखो डराइव नहीं किया जा सकता हर जगह पे। मैं कहूँ ड्राइव कर लो, इट गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आप पढ़ रहे हो ना, मैथ्स पढ़ रहे हो इलेवन ट्वेल्थ में, फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ तो ट्वेल्थ में, मतलब इलेवन ट्वेल्थ में, तो सबसे मेन यही है कि आपको कितना ज्यादा याद है। अप्लीकेबिलिटी तो तभी होगी ना, याद नहीं है आप सोचोगे नहीं मैं उससे ऐसे रिलेट कर लूंगा, इट गोना बी इजियर फॉर मी, तो ड्यूरिंग द एग्जाम वुड बी पॉसिबल ही नहीं। कितना कर लोगे, टाइम कंज्यूम ज्यादा करोगे। तरीका तो ये कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, दूसरा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा लो, तो जो एक फॉर्मूला दो तीन बार लगेगा तो दूसरी बात है याद हो ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये दो आ गए आपके पास में, फर्क क्या देखो, वन प्लस है यहाँ पे, क्या वन माइनस है, ऐसे याद कर लो, ये वन प्लस है और ये वन माइनस है, मतलब सब कुछ सेम है, साइन है तो माइनस है, कोस है तो प्लस है। ओके अच्छा, अब क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बताना, इलेवन ट्वेल्व, इलेवन हो गया ना, ट्वेल्व बताओ प्लीज। साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स साइन टेन एक्स, तो ये आ गया एल एच एस, ये आएगा आपका साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर फोर एक्स। अच्छा मैं नोटिस अगर करने बैठूं तो ये अप्लाई कब हो रहे हैं फॉर्मूले, ये वाले नहीं दूसरे वाले, वो साइन ए प्लस साइन बी या साइन थीटा, ए भी लिखा ना मैं, हाँ ये भी लिखा, वो जो भी लिखे थे मैंने साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी, कब अप्लाई हो रहे थे, जब उनकी डिग्री क्या है वन है, यहाँ पे क्या है टू, तो सबसे पहले क्या करूं मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ, कौन से वाला। अच्छा ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा होल स्क्वायर, ये तो हमने टेंथ में भी पढ़ा था ना कि साइन स्क्वायर थर्टी का वैल्यू पूछते तो हम क्या करते हैं, साइन थर्टी का वैल्यू रख सकते होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास में, साइन सिक्स एक्स माइनस साइन फोर एक्स, और यहाँ पर साइन सिक्स एक्स और साइन फोर एक्स। अब इसमें साइन वाला माइनस का, इसमें साइन वाला प्लस का, और साइन वाले में क्या रिलेशन था, साइन का आता है तो साइन कोस दोनों आएंगे, साइन कोस दोनों आएंगे, और एंगल क्या आता है ए प्लस बी बाय टू और ए माइनस बी बाय टू। प्लस वाले में क्या होता है, प्लस के साथ साइन है, और माइनस वाले में माइनस के साथ साइन है ना, तो इसमें क्या होगा टू कॉस ए प्लस बी बाय टू और माइनस के साथ साइन है ना, तो साइन ए माइनस बी बाय टू, ठीक है। लिख देता हूं ना, तो कोई और भी देखेगा तो कंफ्यूज ना होगा, पूरा लिख रहा हूं मैं, क्या साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या आएगा टू साइन ए प्लस बी ओवर टू कॉस ए माइनस बी ओवर टू, फिर साइन ए माइनस साइन बी, ये क्या है टू कॉस ए प्लस बी ओवर टू साइन ए माइनस बी ओवर टू, है ना। तो ये आ गया, अब क्या करना है, प्लस वाले में ये और माइनस वाले में ये अप्लाई करते हैं। अच्छा ए की जगह पे क्या है सिक्स एक्स, बी की जगह पे क्या है फोर एक्स, ए की जगह पे सिक्स बी की जगह पे फोर, अब तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, क्या लिखूं मैं टू कॉस ए प्लस बी, मतलब सिक्स प्लस फोर कितना आ गया टेन, कितना आएगा टेन एक्स अपॉन में टू, फिर साइन
साइन 6x माइनस 4x अपॉन में 2। अब यहां पे इसके लिए तो 2 cos 6x प्लस 4x अपॉन में 2 और साइन 6x माइनस 4x अपॉन में 2 प्लस है। हम किसका लिख रहे हैं अभी? हाँ प्लस वाला लिख रहे हैं ना। हाँ तो यहाँ साइन लिख देंगे और यहाँ पे कॉस लिख देंगे। अच्छा ये मैं करके, क्या दिमाग है यार, यहाँ डायरेक्ट कर दिया, यहाँ ये करके दिखा रहा हूँ, वेरी इंटेलिजेंट। चलो कोई नहीं, 2 ये कट जाएगा तो कितना आया, कॉस 5x आ गया। ये डायरेक्ट कर रहे हैं आप, 6 में से 4 जाएंगे 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा, सीधा साइन एक्स आएगा। वैसे जरूरी भी था ये, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट आ रहा है कैसे समझ में नहीं आता। अब ये वाले में 6 4 10, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, साइन 5x आएगा। और ये वाले में कॉस 6 में से 4 जाएगा 2x, 2 आएगा तो कॉस एक्स आएगा। अच्छा पर लाना तो मुझे ये है, अच्छा फर्क देखो जरा, यहाँ पर 5 है ना, 5 है तो यहाँ कितना है, 10 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे कितना है, 2 है, और ये रहा साइन का, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, लगा दिया जी, फिर चाहिए साइन एक्स है जी, चाहिए कॉस एक्स है जी, दोनों चीजें हैं। आगे 2 चाहिए, बिल्कुल है, एक तो 2 ये रहा, एक 2 ये आ गया, फिर क्या चाहिए, साइन 5x है, कॉस 5x है ना। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, तो थीटा क्या है इधर, एक्स है, तो सीधा क्या आ जाएगा आपके पास में, साइन 2x, और यहां पर कितना आएगा, साइन 10x, डायरेक्ट डबल हो गया, है ना। रेफरेंस देना चाहो तो बिल्कुल दे दो, वैसे लिखा ही हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा, हो गया, प्रूव हो गया।